अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमने पढ़ना डेरिवेटिव ऑफ अ सम और अ डिफरेंस ऑफ फंक्शंस। इफ़ एफ एंड जी आर डिफरेंशिएबल एट एक्स, देन एफ प्लस जी एफ माइनस जी आर आल्सो डिफरेंशिएबल एट एक्स। हमारे पास गिवन क्या होगा, जब हमने डेरिवेटिव सम का निकालना होगा, सम ऑफ टू फंक्शंस या डिफरेंस ऑफ फंक्शंस, यानी टू भी हो सकते हैं, टू से ज़्यादा फंक्शंस भी हो सकते हैं, और वो सम हो रहे हों या उनका डिफरेंस हो रहा हो, तब हम उनका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं। तो हमारे पास अगर एफ ऑफ एक्स भी डिफरेंशिएबल है, जी ऑफ एक्स भी डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल का क्या मतलब होता है, उनका डेरिवेटिव जो होगा एग्जिस्ट करेगा। तो अगर f भी डिफरेंशिएबल है, g भी डिफरेंशिएबल है, तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे या इन दोनों का सम डिफरेंस लेंगे तो वो भी डिफरेंशिएबल होगा। और उसकी वैल्यू कैसे आएगी, f ऑफ x और g ऑफ x का अगर हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, ये इस डैश का मतलब होता है कि इनका हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, इसको प्राइम भी कहते हैं। तो अब ये आएगा कैसे, पहले हम f ऑफ x का डेरिवेटिव लेंगे, फिर g ऑफ x का डेरिवेटिव लेंगे। और यहाँ पर अगर ये ऐड हो रहे हैं तो यहाँ पर दोनों का प्लस का साइन आएगा, इधर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस आएगा, और अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। और इसको हम इस टर्म को, ये जो ये वाली हमारे पास एक्सप्रेशन है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स। यहाँ इसका मतलब क्या है कि हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, सम ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर डेरिवेटिव। इसका मतलब क्या है, डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर डेरिवेटिव्स। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है। और अगर सम वाला है तो यहाँ पे प्लस में होगा, और अगर माइनस वाला है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। मैं आप लोगों को सम वाला करवाऊंगी, आप लोगों ने माइनस वाला खुद करके दिखाना है मुझे। अब यहाँ पे हमने इसका प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ में हम लोगों ने क्या कंसीडर करना है, हम लोग एक फंक्शन ले लेते हैं फाई ऑफ एक्स, फाई ऑफ एक्स को इक्वल रख लेते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, क्योंकि हम इन दोनों का सम का डेरिवेटिव लेना चाह रहे हैं। ये हमारे पास इक्वेशन वन हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, स्टेप वन में हम लोग करते हैं एक्स को रिप्लेस कर देते हैं एक्स प्लस डेल्टा एक्स से। तो यहाँ पे वाई तो है नहीं, यहाँ पे हमने सारे एक्स के फंक्शन लिए हैं, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ हम उसको रिप्लेस कर देंगे एक्स प्लस डेल्टा एक्स से। और यहाँ पे भी एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये हमारे पास इक्वेशन टू हो गई है। अब स्टेप टू में हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन टू में से माइनस कर देते हैं इक्वेशन वन को, इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन वन। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट साइड हमारे पास ये है फाई ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये इक्वेशन टू की लेफ्ट साइड है, और वन की लेफ्ट साइड हमारे पास है फाई ऑफ एक्स। अब हम इसी तरह राइट साइड को भी माइनस करेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस, इन दो टर्म को माइनस करना है, तो ये दोनों माइनस हो जाएंगी एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। अब हम इनको रीअरेंज कर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स वाली टर्म को अलग कर लेते हैं, जी ऑफ एक्स वाली टर्म को अलग कर लेते हैं। फाई ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, सॉरी फाई ऑफ एक्स, यहाँ आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स को सेपरेट कर लिए, अब जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास ये रीअरेंज हो गए, अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। इसके बाद जो हम स्टेप यूज़ करते हैं वो हमारे पास होता है स्टेप थ्री यूज़ करते हैं। स्टेप थ्री में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं डेल्टा एक्स से, डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स से। तो हमारे पास जब डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये एक्सप्रेशन इस तरह से आ जाएगा, फाई ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस फाई ऑफ एक्स डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स इन दो टर्म से डिवाइड होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड कर देंगे डेल्टा एक्स से, जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स। अब हम फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं, लिमिट लेते हैं दोनों साइड पे, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड। स्टेप फोर में हम क्या करेंगे, टेकिंग लिमिट, लिमिट हमने क्या लेनी है, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो ऑन बोथ साइड। अब हम हर टर्म पे लिमिट अप्लाई कर देते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो फाई ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस फाई ऑफ एक्स
डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स। इसी तरह लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स। इधर भी लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स। तो ये सारे डेरिवेटिव की डेफिनेशन है। यहाँ फाई है तो ये फाई का डेरिवेटिव बनेगा फाई ऑफ एक्स, ये हमारे पास एफ है तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स बनेगा, और ये हमारे पास जी है तो यहाँ पे जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव है। तो हमने क्या फाइंड किया है कि डेरिवेटिव अगर हमने लिया है फाई ऑफ एक्स का, यानी कि डेरिवेटिव हमारे पास फाई ऑफ एक्स क्या था, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स था, तो वो किसके इक्वल आ गया, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स, इसके इक्वल आ गया। अब नेक्स्ट हम इन्हीं प्रूफ से रिलेटेड, ये मैंने प्लस वाला आप लोगों को करवा दिया है, यहाँ पे हम लोगों ने माइनस वाला खुद करना है। इन्हीं प्रूफ से रिलेटेड मैं कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को करवाती हूँ। हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है वाई इज इक्वल टू थ्री एक्स रेस टू पार थ्री बाय फोर एक्स रेस टू पार फोर टू बाय थ्री एक्स क्यूब, नेक्स्ट है वन बाय टू एक्स स्क्वायर टू एक्स प्लस फाइव। इसका हमने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारे पास वाई की वैल्यू ये है, यहाँ पे हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे अब हमने फर्स्ट प्रिंसिपल यूज़ नहीं करना, हम डायरेक्ट लिमिट डायरेक्ट डेरिवेटिव लेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हम डेरिवेटिव लेंगे, इस साइड पे हम डेरिवेटिव लेंगे वाई का और इस साइड पे हम पूरी टर्म का डेरिवेटिव ले लेंगे, थ्री बाय फोर एक्स रेस टू पार फोर टू बाय थ्री एक्स क्यूब वन बाय टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव। यहाँ हम क्या करेंगे, ये तो हमारे पास लेफ्ट साइड बन जाएगी डी वाई बाय डी एक्स। इधर हमने हर टर्म पे लिमिट डेरिवेटिव अलग अप्लाई करना है, डेरिवेटिव ऑफ थ्री बाय फोर एक्स रेस टू पार फोर डेरिवेटिव ऑफ टू बाय थ्री एक्स क्यूब डेरिवेटिव ऑफ वन बाय टू एक्स स्क्वायर, फिर हम डेरिवेटिव लेंगे टू एक्स का और यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे फाइव का। अब हमने हर टर्म पे अलग रूल यूज़ करना है, ये आप लोग नेक्स्ट में तो आप लोग जल्दी जल्दी कर लेंगे, लेकिन अब आप लोगों ने फर्स्ट एग्जांपल करे हैं तो इसलिए मैं आप लोगों को डिटेल से बताऊंगी। यहाँ हमारे पास थ्री बाय फोर कॉन्स्टेंट है, एक्स रेस टू पावर फोर हमारे पास फंक्शन है, तो हम यहाँ पे कौन सा रूल यूज़ करेंगे कि अगर हम डेरिवेटिव ले रहे हैं सी इंटू एफ ऑफ एक्स का, तो हम क्या करेंगे सी को बाहर कर देंगे और डेरिवेटिव हम किसका लेंगे एफ ऑफ एक्स का। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, थ्री बाय फोर को अलग कर देंगे, यहाँ पे डेरिवेटिव किसका लेंगे एक्स रेस टू पार फोर का। बिल्कुल इसी तरह से टू बाय थ्री को अलग कर लेंगे, डेरिवेटिव हम किसका लेंगे एक्स क्यूब का। वन बाय टू को अलग कर लेंगे, डेरिवेटिव हम किसका लेंगे एक्स स्क्वायर का। टू को सेपरेट कर लेंगे, डेरिवेटिव हम किसका लेंगे एक्स का। ये तो हमारे पास ये वाला रूल यूज हो गया। अब यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट है फाइव, और हमने यहाँ पे क्या पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास सिंपल कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो इस फाइव का हमारे पास डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ज़ीरो। अब यहाँ हमने कौन सा रूल यूज़ करना है, यहाँ पे हमने पावर फार्मूला यूज़ करना है सारी जगह पे। पावर फार्मूला हमारे पास क्या होता है कि पावर पहले आ जाती है, अब इसकी पावर हमारे पास फोर है और पावर में से जब हम एक कम करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे भी हम यही यूज़ करेंगे, पावर हमारे पास इसकी क्या है थ्री है, फिर जब पावर में से एक रिड्यूस करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा वन बाय टू। अब इसकी पावर क्या है टू, तो हमारे पास इसकी पावर जब एक कम करेंगे तो वो हो जाएगा टू, और यहाँ पे डेरिवेटिव जब हम एक्स का लेते हैं वन आता है। अगर हम यहाँ पे पावर फार्मूला भी यूज़ करें तो हमारे पास इसकी पावर क्या है वन, तो वन पहले आ जाएगा, वो टू से मल्टीप्लाई होगा तब भी हमारे पास टू ही रहेगा, और एक्स की पावर ज़ीरो हो जाएगी, तो एक्स की पावर ज़ीरो हमें पता है वो क्या होगी वन। तो जब हम एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा वन होगा। तो यहाँ फोर से फोर कैंसिल, थ्री से थ्री कैंसिल, टू से टू कैंसिल, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास किसके इक्वल आ गया, थ्री एक्स क्यूब टू एक्स स्क्वायर एक्स प्लस टू, ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया। अब नेक्स्ट हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है, डेरिवेटिव ऑफ एग्जांपल नंबर टू है हमारे पास, डेरिवेटिव हमने फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस फाइव,
और साथ मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स क्यूब प्लस सेवन। इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स क्यूब प्लस सेवन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हम इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमने डेरिवेटिव किसका फाइंड करना है, इस टर्म का। तो हमारे पास ये टर्म आ रही है, सिंप्लीफाई होके हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्स रेस टू पावर फाइव, फिर फाइव एक्स क्यूब, फिर हमारे पास आएगा सेवन एक्स स्क्वायर, और हमारे पास लास्ट टर्म आ जाएगी 35। ये हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम हर टर्म का डेरिवेटिव अलग लेंगे। तो यहाँ पे पहले हम डेरिवेटिव किसका लेंगे, एक्स रेस टू पावर फाइव का, फिर हम डेरिवेटिव लेंगे फाइव एक्स क्यूब का, फिर डेरिवेटिव लेंगे सेवन एक्स स्क्वायर का, डेरिवेटिव हमने फिर लेना है 35 का। यानी अगर एफ ऑफ एक्स है, ये जी ऑफ एक्स है, ये एच ऑफ एक्स है, ये फाई ऑफ एक्स है, तो हम पहले एफ ऑफ एक्स का लेंगे, फिर जी ऑफ एक्स का, फिर एच ऑफ एक्स, फिर फाई ऑफ एक्स। यानी जितने भी हमारे पास टर्म्स ऐड हो रही हैं, हम उन सब का अलग अलग लेंगे। यहाँ पे हमारे पास पावर फार्मूला यूज़ होगा, क्योंकि इसकी सिर्फ पावर है। तो पावर फार्मूला हम कैसे यूज़ करते हैं, फाइव पहले आ जाएगा, पावर में से जब हम एक कम करेंगे तो फोर हो जाएगा। यहाँ पे भी, यहाँ हम कौन सा रूल यूज़ करेंगे, ये सी, क्योंकि एक सी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम फाइव को पहले रहने देंगे, और डेरिवेटिव हम किसका लेंगे, एक्स क्यूब का। इसी तरह से सेवन को पहले ले आएंगे, डेरिवेटिव हम किसका लेंगे, एक्स स्क्वायर का, और ये कांस्टेंट है 35, इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा। अब हम यहाँ पे फाइव एक्स रेस टू पावर फोर का तो ले चुके हैं, यहाँ पे सेवन मल्टीप्लाई हो जाएगा थ्री से, इसकी पावर में से हम एक कम करेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ सेवन के साथ यहाँ पे फाइव था, फाइव मल्टीप्लाई बाय थ्री हो जाएगा, सेवन मल्टीप्लाई होगा टू से, और इसकी पावर जब कम करेंगे तो एक कम हो जाएगी। क्या किया हमने, फाइव मल्टीप्लाई हो रहा था, थ्री हम पावर पहले ले आए, पावर में से एक रिड्यूस किया तो एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ पे भी हम पावर पहले ले आएंगे, टू मल्टीप्लाई हो जाएगा सेवन के साथ, और इसमें से एक कम हो जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स क्यूब प्लस सेवन का फाइव एक्स रेज टू पावर फोर, फाइव थ्री ज़ा फिफ्टीन एक्स स्क्वायर, सेवन टू ज़ा फोर्टीन एक्स। ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ जाएगा।